पहाड़ी राज्यों में हुई हल्की बारिश और बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली और NCR में भी हुआ है। रविवार को हुई हल्की बारिश की वजह से सोमवार को मौसम तो साफ रहा और तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली NCR में बारिश की संभावना है। इसके कारण फिर से ठंड और कोहरा का खासा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दिल्ली में ठंड तो पड़ ही रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पारे में लगातार बढ़ोतरी की वजह से कपकपी में थोड़ी राहत भी मिली है। इस बीच रविवार को भी हल्की बारिश का असर वायु प्रदूषण पर भी पड़ा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण सोमवार को गंभीर स्तर पर था, जो अब खराब श्रेणी में आ गया है। सोमवार को दिल्ली NCR में मौसम साफ रहा और हल्की धूप भी निकली थी। इस बीच तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 10.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बीते 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 28 से 90% रिकॉर्ड हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी दिल्ली में हो सकती है। बात करें अगर नोएडा की, तो नोएडा में अधिकतम तापमान गिरा है। अधिकतम तापमान आज नोएडा में 17.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहने का। यहाँ आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। जबकि गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सफर के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज खराब श्रेणी में रहा है और 239 दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के AQI में लगातार तेजी देखने को मिली थी और 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा था, जबकि नोएडा का AQI अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है और 307 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहा है आज और 300 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।